Assalamu alaikum. Myself Dr. Sharmeen. I am presently working as a medical officer at NTPHC Rainawari. मैं अपने एलजी सर का थैंक्स कहना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ होल मेडिकल फ्रेटर्निटी जिन्होंने हमारे एफर्ट्स को जो है रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है और इसे हमारा मॉरल जो और बूस्ट होता है एंड वी आर एबल टू परफॉर्म स्टिल बेटर. मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जो सिम्टम्स में भी कुछ वेरिएशन देखी जा रही है. जो पहले जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे थे वो ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे, लाइक आपको हाई फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक्स है. अब जो सिम्टम्स पेशेंट्स लेके आ रहे हैं उसमें पेट के सिम्टम्स भी कॉमनली देखे जा रहे हैं, लाइक वॉमिटिंग है, पेट का दर्द, लूज मोशंस. उस पर कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन भी देखी गई है एंड द आई सिम्टम्स. अगर आप में ये सिम्टम्स हैं आपको सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट करना फ्रॉम योर फैमिली और दूसरे लोगों से और अपना कोविड टेस्ट करवाना. अगर आपका रैट नेगेटिव आता है गो फॉर आरटीपीसीआर. इवन तो आपका आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आता है और आपके पास और आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको चाहिए खुद को आइसोलेट करना. और जो लोग आइसोलेशन में है, घर में आइसोलेशन में है, उनको अपने सिम्टम्स को जो है मॉनिटर करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना टेम्परेचर आप रिकॉर्ड करेंगे एट आरली, पल्स ऑक्सीमीटर से अपना जो है ऑक्सीजन लेवल जो है उसको आपने चेक करना है एट आरली. अगर आपका जो है फीवर हाई ग्रेड हो रहा है इवन आफ्टर 4 to 5 days और आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है 95-94 से बिलो जा रही है तो ये आपके लिए अलर्ट साइन है. आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इधर थ्रू टेलीकंसल्टेशन. टेलीकंसल्टेशन जो है वो अवेलेबल है फॉर जनरल पब्लिक. यहाँ पे आपको जो है ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करनी है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं टू दी हब इन जीएमसी. वहां कंसल्टेंट्स रहते हैं जिनकी बाकायदा जो है रोस्टर बनता है फॉर टेलीकंसल्टेशन. आप वहां कंसल्ट कर सकते हैं. जो ये वायरस है ये म्यूटेटेड है, काफी ज्यादा कंटेजियस है, यानी कि बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है और विरलेंट भी है. सो जो एसओपीज हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, इस बार हमें जो है बहुत सीरियसली और बहुत स्ट्रिक्टली इन एसओपीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तब जाके हम इस वायरस से बच सकते हैं.